हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू लाइफ स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर। देखिए, ज्योमेट्री में हमने लास्ट वीडियो में पैरेललोग्राम पूरा खत्म कर लिया था। सॉरी, पैरेललोग्राम नहीं, पॉलीगन पूरा हमने खत्म कर लिया था और उसके क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर ट्रेपेजियम का बेसिक करेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन, हम 10 से 12 क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। दरअसल एक घटना हुई और वो घटना क्या थी कि ये लेक्चर मुझे दोबारा शूट करना पड़ रहा है, क्योंकि जो लेक्चर मैंने आपके लिए पहले इसका बेसिक लेक्चर का शूट किया था, कुछ फाइल्स डिलीट करते समय वो लेक्चर भी गलती से आपका डिलीट हो गया, तो अब दोबारा से आपके लिए ये लेक्चर मुझे शूट करना पड़ रहा है। और एक लेक्चर को शूट करने बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, टाइम लगता है, एनर्जी लगती है। चलिए, कोई बात नहीं है, फिर से करेंगे आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, अब पहला यही है कि ट्रेपेजियम होता कैसा है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ट्रेपेजियम है क्या। देखिए जरा ध्यान से, ट्रेपेजियम के बारे में हम यहां पर जानकर चलेंगे। इस तरह की आकृति को हम ट्रेपेजियम बोलते हैं। साफ दिखाई दे रहा होगा आपको वीडियो में, इस तरह की आकृति को हम क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम बोलते हैं। दोबारा बना रहा हूं मैं, ब्लैक से देखिए और अच्छा दिखाई देगा। ठीक है, ऐसी आकृति को हम क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम बोलते हैं। अब इसमें इसकी कुछ खास बातें जो हमें यहां पर जानकर चलनी है, जैसे कि जो ट्रेपेजियम है आपका, इसकी ये साइड्स क्या होती है, हमेशा समांतर होंगी ये साइड, और ये वाली जो साइड है ये कभी भी समांतर नहीं हो सकती। अगर आप नाम दें ए बी सी डी, अगर आप नाम दें तो ये जो साइड आपको दिखाई दे रही है ये समांतर होंगी ऑलवेज, और ये कभी भी आपकी समांतर यहाँ पर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान देनी है। एक चीज और आप जान लें, यहाँ पर इसके अगर हम इन साइड्स को मिला दें तो ये हमारे विकर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, विकर्ण। ठीक है, समांतर भुजाएं हो गई ए बी डी सी, असमांतर भुजाएं ए डी और BC। ठीक है, ये पॉइंट आपका हो गया। और यहां पर अब जो एक दूसरे प्रकार का ट्रेपेजियम हो सकता है वो किस तरीके से हो सकता है, रहेगा तो ऐसे ही, डायग्राम तो ऐसे ही बनेगा, लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉपर्टी आपको उसकी जान लेनी है। क्या ये हमेशा समांतर होंगी, ये हमेशा असमांतर होंगी, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि लंबाई में आपको बराबर देते। अगर ये लंबाई में दोनों भुजाएं बराबर हैं तो, क्योंकि दो भुजाएं बराबर हो गई तो इसका नाम होगा सम द्विबाहु, समलंब, समद्विबाहु, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि दो भुजाएं आपकी बराबर हो गई हैं तो इसका नाम होगा सम द्विबाहु समलंब चतुर्भुज। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ और पॉइंट्स पर हम यहाँ पर बात करेंगे। अगर हम बात करें इसके एरिया की, कि इसका एरिया क्या होता है, एरिया क्षेत्रफल का फॉर्मूला ध्यान रखना, 1/2। ठीक, अगर इसको नाम दे ए बी सी और डी, तो यहां पर आएगा ए बी, ए बी प्लस सी डी, प्लस सी डी इंटू डी। अब ये डी क्या है, डी को आप समझें, डी को समझें, ये है आपकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी तो है लेकिन मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, इसको लिखेंगे मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स ए बी और सी डी के बीच की जो दूरी है, न्यूनतम दूरी बोलते हैं इसे हम। ठीक है, समांतर भुजाओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है डी, और इन्हीं दोनों समांतर भुजाओं का यहां पर हम लेते हैं योग और उसका कर देते हैं हाफ, तो ये हमारा इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये तो आपको पहले भी पता होगा। अब यहां पर एक खास पॉइंट आपको और जान करके चलना है, खास पॉइंट क्या होगा। देखिए, अगर मैं इस समलंब की बात करूं, कौन सा समलंब जिसमें ये दोनों भुजाएं आपकी बराबर हैं, तो यहां पर मैंने
इनके विकर्णों को मिलाया, ठीक है। तो ये विकर्ण हमने बोल दिया डी वन और ये विकर्ण बोल दिया हमने डी टू। यहां पर दोनों विकर्णों को मिलाया गया है, तो अगर सम द्विबाहु समलंब है तो ऐसे केस में दोनों विकर्ण हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, दोनों विकर्ण क्या होंगे आपके, बराबर होंगे, ठीक है। क्या आप इतना समझ पा रहे हैं, ठीक। तो मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर दोनों विलय बराबर हैं तो दोनों विकर्ण भी इनके क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट धीरे धीरे पढ़ेंगे और बहुत अच्छा क्लियर करेंगे, आपको अपनी कॉपी में इसको नोट्स करना है, ठीक है, नोट बना के आपको चलना है ताकि आपका परमानेंट डेटा आपके पास सुरक्षित रहे। देखिए आप कॉपी में नोट कर लेंगे तो आपके पास सुरक्षित रहेगा, ऐसा ना हो कि आप मेरी तरह ही डिलीट करके बैठ जाए तो बहुत दिक्कत हो सकती है आपको उस टाइम। तो यहाँ पर देखिए अगला जो पॉइंट होगा, हम यहाँ पर एक ट्रेपेजियम बनाते हैं, ठीक है, हमने ये बनाया अपना एक ट्रेपेजियम। अब इसके हमने फिर से डायगोनल्स को ज्वाइन करा दिया आपस में। यहां पर आपके पास आपको चार भागों में बटा हुआ एरिया दिखाई दे रहा है, चार भागों में बटा हुआ एरिया। तो यहां पर इसको ए वन, ए टू, इसे ए थ्री और इसे ए फोर। तो यहां पर ए वन इंटू ए थ्री, ए वन गुणा ए थ्री बराबर होगा ए टू इंटू ए फोर के, ठीक है, ए वन इंटू ए थ्री बराबर होगा ए टू इंटू ए फोर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, पॉइंट नंबर टू या थ्री जो भी है आप उसको ऐसे ही लिख देंगे। अब इसमें अगला पॉइंट, ये पहले भी मैं आपको क्वाड्रिलेटरल के लिए पिछले वीडियोस में आपको प्रूव करा चुका हूं, तो आप उसे देखना जरूर, ठीक है। अब इसमें जो नया पॉइंट आपका होगा, अगर हम इसमें नाम दे दें इसको कुछ, मान लीजिए इसको हमने ए बी सी और इसको ओ कहा, तो यहां पर ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये जो मैं रेड से यहां पर शो कर रहा हूं आपको, यानी कि यहां पर कौन सा एरिया मैंने आपके लिए बनाया, ट्रायंगल ए ओ डी, ए ओ डी बराबर ट्रायंगल बी ओ सी, बी ओ सी। तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, ये सामने वाला ये वाला एरिया इसमें बराबर होगा, ठीक है। तो अब हम इस पॉइंट को समझते हैं, बहुत ही अच्छा और सुंदर पॉइंट है, इसको हम समझते हैं एक बार। देखिए ये आया कैसे, इसका एक बार हम आपको सबूत दे दें ताकि आप इसको अच्छे से और भी समझ पाए। देखिए यहां पर आपको एक चीज समझनी होगी सबसे पहले, और वो पॉइंट क्या है, देखो ध्यान से, अगर हम बात करें इस ट्रायंगल की ए सी बी, ध्यान देना मेरे ख्याल से यहां तक आपको दिखाई दे रहा होगा, ट्रायंगल ए सी बी, ठीक। और अच्छा सबसे पहले ये देखो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध ये करना, तो आप यही समझो इसे, ठीक है, इधर देखो हमें इसके बराबर ये सिद्ध करना है। अच्छा एक बात आप मेरी सुनेंगे, अगर हम यहां से ए सी बी, ध्यान देना ए सी बी जो एरिया है, ए सी बी ध्यान दो, ए सी बी अगर इस पूरे ट्रायंगल में से, इस पूरे में से ये वाला एरिया घटा दें बीच का, कौन सा, ए ओ बी, ये घटा दें तो हमारे पास ये बचेगा, ठीक है। फिर ए डी सी में से ए, ए डी सी नहीं, ए डी बी, ए डी बी ए सी बी, तो ए डी बी में से फिर से ए ओ बी घटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा, ए ओ बी। तो ये पॉइंट है, ठीक है। तो यहां पर अगला पॉइंट आपका यही है और हमें बहुत इसको अच्छे से समझना है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहां पर ध्यान देना इस बात का आप लोग, अगर हम ए सी बी लिखें, ए सी बी, तो ए सी बी ट्राइंगल लिखें इसके साथ एरिया, और किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहां पर ए सी बी हो गया, ए डी बी
ट्राइंगल ए डी बी। ठीक, यहां पर हम ये बात कर रहे हैं। अब देखिए इसमें रिलेशनशिप क्या होगी, एक चीज का आप यहां पर और ध्यान देके चलेंगे। जैसे मान लिया हमारे पास दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक, और मैंने इनके बीच ट्राइंगल को बनाया इस तरीके से, और एक यहां मैंने ट्राइंगल बनाया, तो दो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये, तो ये दोनों ट्राइंगल। अब एक बात देखो, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, ठीक है, आधार एक जैसे हैं, आधार एक जैसे हैं, तो इसी आधार से, इस ए बी आधार से ही ए सी बी ट्राइंगल बना, इसी ए बी आधार से ही ए डी बी ट्राइंगल बना। तो यहां पर ट्राइंगल जो एरिया ऑफ टी वन होगा वो बराबर होगा एरिया ऑफ टी टू के। तो अगर आधार कॉमन है और दो लाइनें इस तरह समांतर हैं, आधार कॉमन हो दो लाइनें समांतर हो, तो हमें उसके बीच आप कितने भी ट्राइंगल बना लो, चाहे आप एक और बना लो कोई दिक्कत नहीं है, और भी कितने बना लो, सभी का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से सेम पॉइंट इसी में अप्लाई कर सकते हैं, तो इन दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे ए सी बी के क्षेत्र में से हम घटा दे रहे हैं एरिया ऑफ ए ओ बी, ए ओ बी आपको दिखाई दे रहा होगा ए ओ बी, फिर इस क्षेत्र में से हम घटा देंगे यहां पर एरिया ऑफ ए ओ बी। अब देखो मैंने पहले बताया था कि अगर इस पूरे पूरे ट्राइंगल में से ये अंदर वाला आप घटा दो, जो आपको खाली दिखाई दे तो आपके पास रेड वाला बचेगा, ऐसे ही इसमें से ये वाला जिस पर मैं मार्कर दिखा रहा हूं आपको, इसमें से पूरे में से ये खाली घटा दो तो ये रेड बचेगा। तो हमारे पास जो अब बचेगा यहां पर वो यही बच के आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ डी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी, क्या होगा, बी ओ सी के। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। सिद्ध बहुत आसानी से हमने कर लिया, वीडियो को रिपीट करके देखना अगर थोड़ी कहीं भी दिक्कत आपको हुई हो, ठीक है। अब हम अगला पॉइंट यहां पर डिस्कस कर रहे हैं आपसे, चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या होगा आपका, पॉइंट कुछ इस तरीके से है, जैसे मान लीजिए हमने फिर से एक यहां पर ट्रेपेजियम बनाया, ठीक है, ये ट्रेपेजियम बनाया और हमने इसके विकर्णों को मिलाया। ये जो पॉइंट बता रहा हूं मैं, इस पे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट प्रीवियस ईयर में और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप समझना ध्यान से। नाम देंगे ए बी सी डी। तो देखो अगर हम यहां पर ध्यान से देखें, मैं ब्लू से बनाऊंगा, अगर इस एंगल की बात करें, अगर ये थीटा है तो ये भी हमारे पास थीटा होगा क्योंकि जेड बना हुआ है। अगर ये एंगल हमारे पास पाई है तो ये एंगल भी हमारे पास क्या होगा, पाई, क्योंकि इस तरीके से जेड बना हुआ है। ये एंगल कॉमन होने के कारण, कॉमन नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे, ये दोनों कॉमन हो जाएंगे, कॉमन नहीं बराबर होंगे, ठीक। तो तीनों एंगल, दो ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में, तीनों एंगल हमारे आपस में बराबर हैं, तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात भी बराबर होंगे। इसका मतलब ट्राइंगल पहला और दूसरा हमारे क्या होंगे, समरूप होंगे, क्या होंगे, ये समरूप होंगे, सिमिलर होंगे। ऑलवेज याद रखना, आप कभी भी अगर दो समांतर रेखाएं हैं यहां पर इस तरीके से और इसके अंदर आप त्रिभुज बनाओ और उनका आधार सेम हो, तो वो सारे त्रिभुज क्या होंगे, आपके सिमिलर होंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, समझ गए क्या। अच्छा ये नहीं, सॉरी ये पॉइंट नहीं, ये गलत बताया गया, ये पॉइंट नहीं, इस तरीके से अगर इस तरीके से कभी भी आपका डायग्राम बने तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों सिमिलर होते हैं, ठीक है, ध्यान देना, पहले वाला नहीं, ये पॉइंट याद रखना, इस तरह सिमिलर होंगे, ठीक। तो चलिए ये पॉइंट भी आपके याद हो गया। अब यहां से पॉइंट क्या निकलेगा, पॉइंट ये है जो आपको याद रखना है, इसमें इसको ओ मान लो, तो डी ओ अपॉन ओ बी बराबर, छोटे वाली साइड ऊपर रखे तो सी ओ अपॉन ओ ए,
इस पॉइंट पर काफी सारे सीधे सीधे क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आपको करने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा, फिलहाल के लिए आप इसे याद रखें, ठीक है। समरूपता की कंडीशन है ये, और समरूपता से हमने इसको बताया है। आगे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हम। देखिए अगला जो पॉइंट यहां पर आपका होगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ट्रेपेजियम का हमने निर्माण किया, ठीक, इस तरीके से। फिर से हमने इनके नाम रख लिए ए बी सी डी। अगर इस भुजा का मिड पॉइंट ले हमें यहां पर ई ले सकते हैं, इसका नाम ले एफ ले सकते हैं, और हम इनको, अच्छा ये ध्यान रखना ये मिड पॉइंट है इसका, ये मिड पॉइंट है और ये भी एफ भी मिड पॉइंट है, और यहां पर मैंने इनको जो है मिला दिया। तो अब हमें ई एफ की लेंथ निकालनी है, तो यहां से जो आपके पास ई एफ होगा वो होगा हाफ ऑफ इन दोनों समांतर भुजाओं का सम, ए बी प्लस सी डी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं, इसको हम कैसे यहां पर सिद्ध करें, तो देखना बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। देखिए सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर इस तरह से डायगोनल जो है खींच लेंगे, ठीक, सही से खींचे जो कि लगे कि हाँ डायगोनल है। बार बार जो है, चलिए हमने एडजस्ट कर दिया इसको, ये हमारा यहां पर मिला है, ठीक है। अब यहां पर पॉइंट क्या है कि यहां पर काटा इसने, इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, चाहे तो हम इसको ओ नाम दे दें, ठीक। अब देखो ध्यान से, पॉइंट क्या है, इस भुजा का ए डी भुजा का ये क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक। ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल भी है, ये और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल भी है। तो ये इसके ये समांतर है, अगर ये मिड पॉइंट है तो यहां भी मिड पॉइंट पर मिलेंगी, पहली बात तो ये। अब देखो हमने आपको एक कंडीशन बता रखी है, क्या ध्यान देना, अगर आपने सारे वीडियोस देखे हुए हैं, ए बी सी, अगर एक यहां मिड पॉइंट है ई, ठीक, और हम इस बी सी के समांतर ई से कोई रेखा खींचे आगे, ध्यान देना बी सी के समांतर, तो ये भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, ठीक। और अगर इसकी लंबाई 10 है तो इसकी लंबाई क्या होगी, 5, मतलब BC का ये हाफ होगी EF। तो यही पॉइंट यहां पर हम यूज कर रहे हैं, और बहुत अच्छा पॉइंट है, देखिए ध्यान से। तो हमारे पास AB की हाफ होगी ना EO, तो जो EO है वो होगी हाफ किसकी, AB की, ठीक। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अच्छा एक चीज और ध्यान रखें आप यहां पर, ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पूरा का पूरा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दोनों में यही सेम कंडीशन लगेगी। अच्छा ये तो हमने जान लिया, अब हम देखते हैं OF, O से लेकर F तक, O से लेकर F तक भी सेम होगी हाफ ऑफ, इस बार क्या जाएगा, DC, हाफ ऑफ DC। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ठीक है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, यहां पर ऐड करेंगे। जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, EO प्लस OF बराबर, दोनों जगह हाफ है हाफ कॉमन ले लेंगे, AB प्लस DC, ठीक। EO OF, E से O, O से F, पूरी डिस्टेंस क्या है EF, बराबर हाफ ऑफ AB प्लस DC। तो ये पॉइंट आपका प्रूफ हो गया है, बहुत ही सुंदर प्यारा सा पॉइंट था, इसको आपको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करके लिखना है, ठीक है, ताकि आपको अच्छा समझ में आए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इससे अगला पॉइंट हम देखते हैं यहां पर, अगला पॉइंट हमारा क्या होगा, ध्यान से समझना, वीडियो को आप रिपीट करके दोबारा से भी देख सकते हैं। देखिए अगला जो पॉइंट होगा, इसी में मैं एडजस्ट कर रहा हूं, ठीक,
देखिए अगला जो पॉइंट है वो है कि मान लिए हमने दोनों डायगोनल यहां पर मिला दिए, दोनों डायगोनल हमने यहां पर मिला दिए ठीक। और अब की बार AC का मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है AC का और BB का, और ये लेंथ हमें यहां पर निकालनी है, इसको E मान लो और इसको F मान लो ठीक। समझ में आ गया, पिछली बार इस भुजा का मिड पॉइंट था, इस भुजा का मिड पॉइंट था, इस बार डायगोनल का मिड पॉइंट है। तो हमें यहां से EF के लिए क्या याद रखना है कि यहां पर EF होगा समांतर भुजाओं के अंतर का हाफ, समांतर भुजाओं के अंतर का हाफ होगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हो, प्रूफ समझिए। देखिए एक चीज को ध्यान देना आप लोग, क्या करेंगे हम यहां पर, हम इसे पीछे आगे बढ़ा लेंगे समांतर करके, हमने इसे आगे बढ़ा दिया ठीक है, और ये यहां पर मिलता है कहीं भी, इसको आप जी मान सकते हैं ठीक है। एक बात आप देखो, अगर हम ये पूरी लेंथ निकाल लें जी से लेकर एफ तक, जी से लेकर एफ तक, और उसमें से हम जी से लेकर ई तक घटा दें, जी से लेकर ई तक घटा दें, तो हमारे पास जो भी लंबाई आएगी वही ई एफ होगी। तो ये काम हमें यहां पर करना है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम कौन से ट्राइंगल में देखेंगे, ए डी बी में, तो हम ट्राइंगल ए डी बी में देखते हैं। ए डी बी क्या होगा, ए डी बी में वही जो जी एफ है ये हाफ ऑफ ए बी के होगा, हाफ ऑफ ए बी, क्योंकि अगर इसे पीछे बढ़ाओगे आप तो ये इधर भी मिड पॉइंट पर ही मिलेगी, और ये भी क्या है, मिड पॉइंट है, समझ रहे हो, ये भी मिड पॉइंट है इस भुजा का, किसका, डी बी का, ये मिड पॉइंट है, इसके समांतर ही है ये भी, ई एफ भी क्या है, इसके समांतर ही है, अगर आप पीछे से बढ़ाओगे तो यहां पर भी ये मध्य बिंदु पर ही मिलेगी ठीक। तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं यहां पर, अब हम देख रहे हैं ट्राइंगल ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी में भी सेम है, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, तो यहां पर जी ई, जी ई हमारा होगा हाफ ऑफ डी सी, सेकेंड इक्वेशन, याद करो हमें क्या निकालना है, ई एफ, ये दूरी निकालनी है, तो इस पूरी दूरी में से ये घटानी पड़ेगी, तो अब की बार हमें फर्स्ट में से सेकेंड को घटाना पड़ेगा। तो जब हम जी ई, जी एफ, जी से लेकर एफ में से जी ई घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ई एफ, और हाफ कॉमन आएगा ए बी माइनस डी सी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों, ये आपको याद रखना है, इस पर भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं कुछ अगले पॉइंट्स पर, और हमने ट्रेपेजियम को बहुत अच्छे से समझा जाना, अगला पॉइंट क्या हो सकता है आपका इसमें, तो हमने बहुत सारे पॉइंट इसके जाने, और आई थिंक आपको बुक में ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताए ये बुक में आपको नहीं मिलेंगे ठीक है। तो इससे जुड़े हुए और जो अगले सवाल हैं इस पर आधारित वो हम आपसे आगे डिस्कस करेंगे, आज के लिए मैंने सारा कंप्लीट आपको बना दिया है ठीक। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा, तो आप इसे शेयर जरूर करें, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को ऑनलाइन देखें, और अगर लाइक करना है तो लाइक भी करें, और आपने कमेंट भी आप करते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टाटा एंड केयर।